हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। जैसा कि हम आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छा पाते हैं और हमारे स्टडी चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है और उसमें इंग्लिश भी एक है, तो इंग्लिश से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं कंटिन्यू रूल्स वाइज। और आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। तो बच्चों, आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, जिससे और इनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। किस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं, अब जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, रमा खाना बनाती है। ओके, रमा कुक्स फूड, खाना पकाती है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसका प्रभाव वर्ब पर पड़ रहा है। तो वॉइस, सबसे पहले तो देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब का जो एक्शन होता है, उसमें रिसिपिएंट का काम करता है सब्जेक्ट। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं और जानेंगे और इनके कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आसान तरीकों से आप ये बना सकते हैं। और आपको, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए, एक्टिव फॉर्म, यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, अध्यापक क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। पैसिव फॉर्म में देखिए, यही इसमें क्या होगा कि वर्ब पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर आ गए, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। तो ये रिसिपिएंट हो गया वर्ब का, ये वर्ब के एक्शन का रिसिपिएंट हो गया और इस वर्ब पर सब्जेक्ट का पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज मैन एंड इट कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हम एक्टिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट इज मैन, हमारा ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये एकदम से बिगनिंग शुरू में आता है, द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में आता है, वर्ब इज अरेंज्ड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब यूज की जाती है। और इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, देखिए जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद में आ रहा है। कुछ सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, मोहन रीड्स अ बुक, रमा कुक द फूड, दे लव मी। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। और इसके बाद में देखिए, पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इज मैन, वर्ब इज एडेड इन द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब रखी जाती है। इससे पहले एक्टिव वॉइस में क्या कर रहे थे, हम सब्जेक्ट के वर्ब और नंबर के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्ब रख रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि वर्ब के नंबर और पर्सन के अनुसार हम इसमें वर्ब का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बाय एडेड किया जाता है वर्ब के बाद में, एज पर द रिक्वायरमेंट, यदि रिक्वायरमेंट को कहीं पर नहीं यूज किया जाता है तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें कि सभी में यूज हो गया है उनका। और एंड द सब्जेक्ट इज एडेड, सब्जेक्ट एड किया जाता है। अब देखिए, हमने इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, मोहन रीड्स अ बुक इज रेड बाय मोहन। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, अब टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज करेंगे। उसके बाद में देखिए, अ बुक इज रेड बाय मोहन, फूड वाज कुक्ड बाय रमा, आई एम लव्ड बाय देम, इन्हीं सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम कुछ रूल्स को समझेंगे और रूल्स के
द्वारा ही हम सेंटेंसेस को बनाने की इसमें पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरह से कि आसान तरीकों से आप उनको समझ सकें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये तो केवल इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। और देखिए, पैसिव वॉइस बनाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होता है, जिससे हम टेंसेस बनाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब और उसको यूज करके, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके हम टेंसेस को बनाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी कर लेना। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और एजेंट। एजेंट इसको कहते हैं जो भी सब्जेक्ट के रूप में आपका एक्टिव वॉइस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में, वो यहाँ पर एजेंट के रूप में आएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले देखिए रूल नंबर वन क्या कह रहा है। बाय चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इज कैप्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है एंड ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया हुआ है, द हंटर किल्ड अ टाइगर, एक हंटर ने टाइगर को मारा। अब देखिए द हंटर क्या है सब्जेक्ट, किल्ड क्या है वर्ब, और अ टाइगर क्या है ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए टाइगर को हमने यहाँ पर यूज कर दिया एज ए, इस ऑब्जेक्ट को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज कर दिया। किल्ड हमारी सेकंड फॉर्म में जो भी पास्ट टेंस से रिलेटेड है, उसमें टेंस के अकॉर्डिंग हम जब चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म में की पास्ट वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बताया हुआ है। इस बार में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में फिर बाय, और ये देखिए जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, इसी को ही एजेंट कहते हैं। एक बात आप यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। गलती से अगर हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी लगाना भूल जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में हम रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे।